नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यात्री विक्रम चैनल पर। जालरा गांव में जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, दिन में यज्ञ चलता है और रात के टाइम पर सत्संग होती है, ठीक है, रात्रि भजन संध्या होती है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। देखते हैं किस तरह का व्लॉग बनता है और क्या वहाँ पे व्यवस्था है रुकने की। वहाँ पे रोज़ अलग अलग सिंगर आ रहे हैं भजन गाने के लिए, प्रकाश माली, ओम जी मुंडेला, इस तरह से। तो देखते हैं, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को, जालरा। से 15 अप्रैल तक हवन और यज्ञ ये चलेगा, ठीक है। और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश स्थापना ये है 15 तारीख को, और पूर्णावती ये भी है 15 तारीख को, और महाप्रसादी जो भोजन का प्रोग्राम है वो है 15 अप्रैल को, ठीक है, प्रातः 9 बजे से प्रभु इच्छा तक। सुबह 9 बजे से प्रसादी स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें लिखा है कि आप सभी सह परिवार अपने इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित है, कृपया पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे। तो आप सभी आमंत्रित है, जो भी बोर्ड को पढ़ रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन जिसको भी मिल रही है, जिसके पास भी सूचना पहुंच रही है, वो सभी आमंत्रित है इसके अंदर। तो हम आ चुके हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर जालरा गांव के अंदर, और ये एंट्री गेट है। यहाँ से जैसे ही हम अंदर जाते हैं, अब हमें देखने को मिलता है, इस तरफ तो है मंदिर जिसकी 15 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इस तरफ ये चल रहा है यज्ञ, चल रहा है हवन, चल रहा है जो पूरे दिन भर चलता रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक, बावड़ी का भैरव जी का मंदिर। तो 15 तारीख को कलश स्थापना होगी और प्राण प्रतिष्ठा है इस मंदिर की, बावड़ी का भैरव जी का मंदिर। आप यज्ञ में बैठ सकते हो आराम से, यज्ञ में हवन वगैरह आहुति दे सकते हो, ठीक है। फिर आगे रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और शाम को जो सत्संग होगी, भजन संध्या होगी, उसका भी आगे है। अभी आपको वहाँ पे दिखाते हैं, चलो देखें। यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था है, किसी को चाय या फिर पानी पीना है यहाँ पे पी सकते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था भी है, ये चिड़ियाघर बना रखा है, ये देखिए अच्छा लग रहा है, मस्त है ये। यहाँ पे जितने भी टेंट लगे हैं उसका ये नक्शा है कि कौन सा टेंट आपको अलॉट हुआ है, किस टेंट में आप रुके हो, तो इस नक्शे के हिसाब से ढूंढ सकते हो। आज अंदर की साइड दिखाते हैं आपको, कितने सारे टेंट हैं यहाँ पे रुकने के लिए रात को। अगर आपको, आप यहाँ पे आते हो और आपको टेंट अलॉट हो जाता है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। थैंक यू भाई को लाइक करें, कमेंट करें। हेलो सर, मेरा नाम तोलाराम भाटी, और ये भाई आए हैं हमारे पास टेंट की व्यवस्था देखने। हमारी बाउंसर में ड्यूटी लगी हुई यहाँ पे सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था है क्या कि पहले मॉर्निंग में बैठ सकते हो आप, सोने का व्यवस्था है, दो बेड लगा हुआ है, पैंकर कूलर वगैरह सब है अंदर, टेबल वगैरह बैठने के लिए, पीछे इसमें बाथरूम वगैरह सब है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर से आए हुए गेस्ट जो दूर से आए हुए, वो नज़दीक है वो अपना यहाँ देख लेंगे, जो बाहर से आए उनके लिए व्यवस्था है, ठीक है। आप भी आए और दूर से आए तो आप भी आओ, हमें व्यवस्था देंगे आपको। और यह मंदिर बन रहा है भैरव जी बाबा का, हम जैसलमेर से सर, ठीक है। तो देखा आपने व्यवस्था, अब आगे चलते हैं जो जहाँ पे रात का भजन संध्या होगी, और आगे की साइड जो खाने की व्यवस्था है वो दिखाते हैं आपको पंडाल। अब ये जो जगह है, ये है रात को भजन संध्या जो होगी यहाँ पर होगी, बहुत बड़ा पंडाल बनाया है। पहले भी जो सिंगर आए थे, भजन गायक आए थे, वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे हुए थे, और आज वापस जो ओम जी मुंडेल जी का प्रोग्राम है वो यहाँ पे होगा, और कल का जो प्रकाश माली का प्रोग्राम है वो भी यहीं पर होगा। LCD स्क्रीन लगी है, पंखे वगैरह एकदम एक नंबर, ये पूरा स्टेज है, और यहाँ पर होगा प्रोग्राम, पूरी अच्छी व्यवस्था है बैठने की, कूलर भी लगे हैं, देखो हर स्पॉट पे कूलर लगे हैं। ये जो पंडाल है, ये जो व्रत रखते हैं उनके व्रत खोलने के लिए उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, देख सकते हो। बाकी जो भी लोग बचे हैं उन सब के खाने के लिए इस पंडाल में व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया, नमस्ते। तो कितनी बार खाना खिलाते हैं यहाँ पे? तीन टाइम सुबह एक बार खिला दिया है, सुबह नाश्ता, सिर्फ दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना। अच्छा, तीन टाइम खाना खिला देते हैं ना। और क्या क्या व्यवस्था है अभी यहाँ पे? चाय पानी की? चाय है, छाछ है। अच्छा चलो ठीक, आप आके यहीं के हो? नहीं, सिरोही के हम। अरे बहुत दूर से है, सिरोही से?
आना पड़ता है। माउंट आबू वाला है ना? हाँ। कैसा लगा हमारा एरिया? बढ़िया है। बढ़िया लगा, चलो आते हैं, आते रहते हैं हम तो माउंट आबू। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो बाउंसर भैया है उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, आप कहाँ के हो? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नागौर से जी? नागौर से यहाँ आए। जो भैर बाबा की कृपा हुई तो अच्छा लगा हमारे को इस गांव में आने का, सेवा का, ये भैरवनाथ की प्रतिष्ठा का ये हो रहा है तो अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन हो गए अभी ये प्रोग्राम चलते हैं? 5 दिन हो गए हमारे को। 5 दिन हो गए, कितने दिन और चलेगा? ये 2 दिन और चलेंगे। अच्छा, कल और परसों? जी आज आएंगे, आज हमारे जो पड़ोस के नेबर है ओम मुंडेल जो आपके वहाँ के है ना? जी जी, आज 5 बजे यहाँ आने वाले हैं। तो गौशाला के लिए बहुत फेमस है कि जो उनको जहाँ भी भजन गाने जाते हैं जो भी पैसे वगैरह मिलते हैं अधिकतर वो दान कर देते हैं। जी जी, वो तो उनका ये हमारा नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले गौ सेवा का ही मान्यता है। अच्छा। बाकी लोग मंदिरों में पैसे दान करने का इतना उचित नहीं है जितना गौशालाओं में उचित है। हमारे ऐसा कोई गांव नहीं है जो गौशाला नहीं होगी, हर गांव में अंदर 1000 से गए ज्यादा से ज्यादा 1000 होती है। एक नागौर के अंदर, एक पालिया नागौर के अंदर एक बहुत बड़ी गौशाला है वो खेड़ापा धुना के नाम से फेमस है। तो उनका जो कार्यकर्ता जो उनके कुशालगिरी बोस के नाम में फेमस है। तो अभी शाम के टाइम पे कितनी पब्लिक आती है यहाँ पे भजन का? भजन संध्या होती है। अभी 5000 से हम काउंटिंग कर रहे हैं, 5000 से ज्यादा ही आ रहे बंदे। 5000? जी जी। अच्छा, दिन भर के या केवल रात? दिन भर के। दिन भर के 5000। किसे गाँव आए आप? कटारू। अच्छा, कटारू। तो यज्ञ में बैठो भैया? मैं तो देखबान आया हूँ। अच्छा, यज्ञ प्रोग्राम जो है वो देखबा आया? देखबा आया प्रोग्राम। कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके बताओ, और आप यहाँ पे विजिट करोगे नहीं करोगे? कल और परसों का प्रोग्राम और है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आओ और शाम को भजन संध्या है वो अटेंड करो, और मैं भी शाम को वापिस आऊँगा, भजन संध्या अटेंड करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, साल में एक बार अभी जब पैदल वगैरह जाते हैं। पूरी बुजुर्ग कितने भी कड़वे नहीं पूरी पिलो हल्की सी कड़वी लगे हल्की सी सुबह की। तो क्या मेरा ऐसे नशा चढ़ेगा वैसे?